आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी अलाइन कॉलोनी में वीआईपी स्कूल के पास बुलवाकर प्राइवेट लोगों ने वोटर आईडी कार्ड का धंधा शुरू किया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया शाहीन नगर अलाइन कॉलोनी वार्ड नंबर 8 के अवाम से हो रहा था, जिसकी इत्तला नुमाइंदा वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल को मिली। यूसुफ पटेल ने मौके वारदात पर पहुंचकर उसकी दरियाफ़ी की और पूछा कि आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हैं जो आप लोग 50 रुपये लेकर आवाम को लूट रहे हैं। और सैयद यूसुफ पटेल ने कहा कि मैं इसकी कंप्लेंट कलेक्टर को दूंगा और ऐसे अफराद पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। मीडिया से बात करते हुए आवाम ने सारी तफसील बताई और कहा कि ऐसे लोगों से आप लोग होशियार रहें। आइए जानते हैं उस खसूस में मज़ीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। मैं अलेन कॉलोनी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 8। यूसुफ पटेल साहब काउंसलर है यहाँ के। यहाँ पे कैंप डाल के फ्री में यहाँ पे अप्लाई करे थे और आज 3 महीने के बाद आज कार्ड आए हैं, जो कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, जो आके रात के 9 बजे 50 रुपये एक कार्ड को पूछ रहे हैं लोग। एक्चुअली ये गवर्नमेंट की सर्विस है, फ्री सर्विस। पोस्टमैन इसको घर तक पहुँचाना चाहिए। रात के 9 बजे ये लोग बाहर तक आके वीआईपी स्कूल के पास ठहर के 50-50 रुपये डिमांड कर रहे। इसका इत्तला हमारे यूसुफ भाई को करे, उन्होंने आके इसको रोके। अब आगे गवर्नमेंट क्या करना है, उसके पैसे देना है तो कहीं के लिए, ये फ्री सर्विस कहीं के लिए लगाए फिर ये लोग। तो इसका कुछ अभी कोई भी ले रहे हैं तो पैसे दे के मत लीजिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सर्विस है और घर तक ला के देना है इसको। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं 3 महीने पहले ये वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन करा था यूसुफ पटेल के घर के पास। फिर 3 महीने के बाद वीएपी के पास मेरे को काल आया, मेरे को काल आने के वोटर आईडी लाने गया मैं। उसके बाद बोला क्या, मैं 5 ले लिया, मैं एक वोटर आईडी के लिए वहाँ 50-50 रुपीस पूछ रहे। तो मैं बोला वहाँ कई के पैसे ही है, मैंने वो देना पड़ता बोल के बोला। बोले कौन है वो लोग? वो कौन है? वो प्राइवेट लोग है बोला। अब अपन ना आज तक बोला देखे ना अपन। तो फिर मैं यूसुफ भाई को बुलाया मैं, ये कौन लोग आए भाई, मैं अभी तक नहीं देखा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।